वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की हमने स्टडी करी, पढ़ा उनको। हम थ्री प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को पढ़ चुके हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन। अब फोर्थ है हमारे पास इथाइलिन। तो आइए हम इथाइलिन की स्टडी करते हैं। इथाइलिन इज अ सिंपल गैशियस पीजीआर। मतलब इथाइलिन जो है वो बिल्कुल सिंपल गैशियस पीजीआर है, मतलब ये गैशियस फॉर्म में पाया जाता है, ऐसा पीजीआर है। इट इज सिंथेसाइज इन अ लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडरग्रोइंग सिनेंसिस। बोला ये लार्ज अमाउंट में टिश्यूज, उन टिश्यूज से ग्रो मतलब सिंथेसाइज होता है जो कि सिनेंसिस, जिनमें एजिंग हो रही होती है, और राइपनिंग फ्रूट्स में ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इन्फ्लुएंसेज ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट्स इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। बोला इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन का प्लांट में इन्फ्लुएंस क्या होता है कि उसका जो सीडलिंग होता है उसके हॉरिजॉन्टल बिल्कुल स्ट्रेट ग्रोथ होती है, उसकी जो एक्सेस होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और जो डाइकॉट सीडलिंग्स होती हैं उनके एपिकल हुक में एपिकल हुक की फॉर्मेशन हो जाती है, हुक लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसमें जो डाइकॉट्स की सीडलिंग्स होते हैं जिनमें इथाइलिन प्रेजेंट होता है। इथाइलिन प्रमोट्स सिनेंसिस, इथाइलिन क्या करता है, सिनेंसिस को प्रमोट करता है, एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, और वो एब्सिशन करता है प्लांट ऑर्गन्स की स्पेशली लीव्स, और एब्सिशन क्या होता है, झड़ जाना किसी भी चीज का, किसी ऑर्गन का। तो यहाँ पे वो लीव्स और फ्लावर्स के झड़ने में प्लांट ऑर्गन्स की हेल्प करता है। इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपिंग। बोला इथाइलिन का ज्यादा प्रभाव जो होता है फ्रूट की राइपनिंग में होता है। इट एनहांसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। ये रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करता है जब फ्रूट की राइपनिंग होती है। दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। जो ये राइज इन रेट होता है रेस्पिरेशन का, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। आगे है इथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बड डोमेंसी। इथाइलिन क्या करता है, सीड और बड की डोमेंसी को ब्रेक करता है, इनिशिएट करता है जर्मिनेशन को, इन पीनट सीड्स की जो जर्मिनेशन होती है उसको इनिशिएट करता है, और पोटैटो ट्यूबर्स की स्प्राउटनिंग में हेल्प करता है। इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। तो इथाइलिन क्या करता है, प्रमोट करता है इंटरनोड की रैपिड इंटरनोड के जो फॉर्मेशन होती है उसमें रैपिड, उसको रैपिड करता है। पीटीओल की इलोंगेशन, जो लीफ के जो पीछे थिन सा पार्ट होता है उसको पीटीओल बोलते हैं, उसकी इलोंगेशन में हेल्प करता है। कहाँ पे, राइस प्लांट्स में, जो डीप वाटर राइस प्लांट्स होते हैं उनमें हेल्प करता है। इट हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट्स। तो ये जो शूट के जो अपर पार्ट और लीव्स होते हैं उनको हेल्प करता है टू रिमेन अबव द वाटर, ताकि वो पानी से ऊपर रहे। इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट्स ग्रोथ, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। तो ये रूट की ग्रोथ और उसके रूट हेयर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। दस हेल्पिंग द प्लांट्स टू इंक्रीज देयर अब्जॉर्प्शन सरफेस। तो इससे क्या होता है, वो प्लांट में जो अब्जॉर्प्शन एरिया होता है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। आगे है इथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग। तो इथाइलिन क्या करता है, फ्लावरिंग, किसी भी फ्लावरिंग को इनिशिएट करने में हेल्प करता है, एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स, और पाइनएप्पल्स में जो फ्रूट सेट्स की उनकी सिंक्रोनाइजिंग करता है। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावर्स इन मैंगोज, मैंगो में फ्लावर प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सिंस इथाइलिन रेगुलेट्स सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो ये जो इथाइलिन है वो बहुत सारे देखो हमने बहुत सारे पढ़े पीछे, तो इतने सारे वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर इन द एग्रीकल्चर। तो ये मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर है एग्रीकल्चर में। द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथफोन। तो जो सबसे वाइडली यूज कंपाउंड सोर्स है इथाइलिन का वो क्या है, इथिफोन है। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार हमें पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। इथिफोन is an aqueous solution, is readily absorbed and transported within the plant and releases ethylene slowly. तो ये जो इथिफोन है ये एक aqueous solution होता है जो readily बहुत जल्दी absorb हो जाता है plant में, और transport भी हो जाता है एक part से दूसरे part तक, और जो ये ethylene है उसको धीरे धीरे slowly वो release करता है। इथिफोन hasn't
हेस्टन्स द फ्रूट्स राइपनिंग इन टोमेटोज। तो इथिफोन क्या करता है, जो फ्रूट की राइपनिंग है उसको, फ्रूट की राइपनिंग में जो टोमेटो के फ्रूट है उसमें राइपनिंग में हेल्प करता है, एंड एप्पल्स में, एंड एक्सेलरेट द एब्सॉर्प्शन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और जो फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं उनके उनमें एब्सॉर्प्शन को एक्सेलरेट करता है। जो जैसे क्या करता है, ये थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी और वॉलनट, इन फ्रूट्स में ये हेल्प करता है। इट प्रमोट्स द फीमेल फ्लावर्स टू इन कुकुम्बर्स, देयर बाय इंक्रीजिंग द ईल्ड। तो ये क्या करता है, जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं कुकुम्बर में उनको प्रमोट करता है, जिससे क्या होता है, अच्छी प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एप्सिसिक एसिड। तो बोला कि पहले जैसे बताया गया है, जो एप्सिसिक एसिड है ABA, जो डिस्कवर उसकी जो रोल डिस्कवर हुआ है वो रेगुलेटिंग एब्सिशन और डोरमेंसी का है, लेकिन अदर पीजीआर की तरह इट हैज ऑल्सो अ वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका बहुत बड़ा वाइड रेंज है, इफेक्ट है इसका प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इट एक्ट्स एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो ये नॉर्मली एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है, एंड एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबोलिज्म, और प्लांट के मेटाबोलिज्म में भी इनहिबिट करता है, काम है इसका। एप्सिसिक एसिड ऑल्सो इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, तो ये सीड जर्मिनेशन को भी रोकता है। एप्सिसिक एसिड स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस। तो एप्सिसिक एसिड क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तो ये जो स्टोमेटा का क्लोजर है उसको क्लोज करने में स्टिमुलेट करता है, क्लोजिंग करने के लिए स्टिमुलेट करता है इन द एपिडर्मिस में, और इंक्रीज करता है प्लांट की टॉलरेंस जब स्ट्रेस होता है। जब प्लांट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो उसको इंक्रीज करता है, उसको टॉलरेट करने के लिए उसमें कैपेसिटी लाता है टॉलरेट, उस कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए। देयर फॉर इट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, एप्सिसिक एसिड को, एबीए को। एबीए प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट। तो एबीए जो होता है वो सीड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, मैच्यूरेशन में भी हेल्प करता है सीड के, और उसकी डोमेंसी में भी हेल्प करता है, बाय इंड्यूसिंग डोमेंसी, डोमेंसी को इंड्यूस करके। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो सीड्स को हेल्प करता है, सीड्स टू विदस्टैंड द डेसिकेशन, ताकि उनके ब्रेकडाउन से वो बच सके, एंड अदर फैक्टर्स इन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। और जो भी अनफेवरेबल फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ में रुकावट पैदा करते हैं, उनसे उनसे विदस्टैंड होने में वो सीड को हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड। इन मोस्ट सिचुएशंस एब्सिसिक एसिड एक्ट एज अ एंटागोनिस्ट इट टू जीएज। तो जो बहुत बोला, बहुत सारे सिचुएशंस में क्या होता है, जो एबीए जो है वो काम करता है, मतलब जो ग्रोथ जीएज हैं उसके उसके एज एंटागोनिस्ट काम करता है। वी मे समराइज दैट फॉर एनी अदर फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, वन और द अदर पीजीआर हैज सम रोल टू प्ले। बोला कि हमने समरी की हुई है, बनाई हुई है कि किसी भी, या एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, किसी भी ग्रोथ के फेज में डिफरेंशिएशन हो, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट हो, वन और अदर पीजीआर जो होते हैं उनका रोल होता है। जैसे कि सच रोल्स कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू और एंटागोनिस्टिक। तो ये जो रोल्स होते हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं या एंटागोनिस्टिक होते हैं, जितने भी पीजीआर जो होते हैं वो आपस में काम करते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ फेज में। दीज कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जेटिक। तो ये अकेले भी काम करते हैं या ग्रुप में भी, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम करते हैं। सिमिलरली देर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ प्लांट वेयर मोर देन वन पीजीआर इंटरेक्ट टू अफेक्ट दैट इवेंट। बोला बहुत सारे इवेंट्स होते हैं प्लांट के लाइफ में जहां पे एक से ज्यादा जो पीजीआर होते हैं आपस में किसी भी इवेंट में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके अफेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है सीड की डोमेंसी इन सीड, बर्ड्स की या फिर बर्ड की एप्सिशन में, सिनेंसिस में, और एपिकल डोमिनेंस या एक्सेट्रा में। रिमेम्बर द रोल ऑफ पीजीआर इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रेंसिक्स कंट्रोल। जो रोल है पीजीआर का वो एक काइंड का इंट्रेंसिक कंट्रोल ही है, अलॉन्ग विद जीनोमिक कंट्रोल के साथ साथ वो एक इंट्रेंसिक कंट्रोल है पीजीआर का, एंड एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स के साथ। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ में वो हेल्प करते हैं, एंड डेवलपमेंट में मैनी ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाय पीजीआर। बोले बहुत सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं जैसे कि टेम्परेचर और लाइट जो है वो प्लांट की ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में मतलब कंट्रोल करते हैं पीजीआर की तरह। सम ऑफ सच इवेंट्स कुड बी वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग,
डोमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट एंड प्लांट मूवमेंट। तो ये कुछ इवेंट्स जैसे कि वर्नलाइजेशन में एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो मिलकर काम करते हैं, वर्नलाइजेशन में, फ्लावरिंग में, डोमेंसी में, सीड जर्मिनेशन में, प्लांट मूवमेंट में।